चटनी एक ऐसी रेसिपी है जो खाने के टेस्ट को दो गुना कर देती है। फिर चटनी किसी भी चीज की हो, बस टेस्टी होनी चाहिए। बिल्कुल आज ऐसे ही टेस्टी टेस्टी चटनी बनाने जा रही हूँ मैं, केले की, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। पके केले की खीर और शेक तो आपने बहुत पिया होगा। आज चलिए बनाइए पके केले से बहुत ही टेस्टी सी चटनी, जो इतनी ज्यादा पसंद आएगी कि जब भी केले ज्यादा पक जाएंगे तो आप ये चटनी ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। पके केले की लाजवाब सी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए पका हुआ केला। चटनी आपको जितना ज्यादा बनाना हो केला आप उतना ले सकते हैं। केला जब ज्यादा पक जाए तो उसे फेंकने से अच्छा है आप ये चटनी बना ले, बहुत ही टेस्टी लगती है। चटनी में थोड़ा सा खट्टा मीठा स्वाद लाने के लिए एक टुकड़ा इमली का लेंगे। इसे भिगो कर रखना है और इसका पल्प निकाल कर ले लेना है बिल्कुल इस तरीके से। और गुड़ लेना है हमें थोड़ा सा मीठा करने के लिए, इसकी जगह पर आप चीनी भी ले सकते हैं। तड़का लगाने के लिए थोड़ी सी कलौंजी, सौंफ और साबुत धनिया। तो अभी हमें पके केले को छील लेना है। ये केला कुछ ज्यादा ही पक गया है तो मैंने सोचा इसकी लाजवाब सी चटनी ही बना लिया जाए। मैंने दो केला लिया है, आपको जितनी ज्यादा चटनी बनाना हो उतना ज्यादा केला ले सकते हैं। केला को छीलने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है, अच्छे से इसे मैश कर लेना है। आप चाहें तो मिक्सर में भी डालकर इसे मैश कर सकते हैं। ये तो अच्छे से मैश हो गया है, अब चलिए फटाफट से तड़का लगा लेते हैं। तो पैन में गरम करना है मूंगफली का तेल। आप तेल जो खाना पसंद करते हो वो ले सकते हैं या घी में तड़का लगा सकते हैं। थोड़ी सी सौंफ, साबुत धनिया और कलौंजी का तड़का लगाएंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जैसे ही ये चटकने लगे, हल्के हल्के से सुनहरी होने लगे, गैस के फ्लेम को एकदम लो कर दें और फटाफट से ये मैश किया हुआ केला डालना है। अब गैस के फ्लेम को लो ही रखें, जो इमली का पल्प हमने तैयार किया था उसको डाल देना है। इससे ये चटनी ज्यादा टेस्टी लगने लगती है। गुड़ या चीनी इतना डालें जितना आपको ये मीठा करना हो। चटनी जितनी मीठी आपको पसंद हो उतना गुड़ या चीनी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। चटनी को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें चुटकी भर सफेद नमक, चुटकी भर काला नमक, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, कलर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाएगा। थोड़ा सा भुना पिसा जीरा जरूर डालें, इससे महक बहुत अच्छी आती है और चटनी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अब इसे चलाते हुए 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। जब ये चटनी में उबाल आएगी इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुड़ और इमली के पल्प का कलर अच्छे से आ जाता है। तो इसमें हमें कोई फूड कलर नहीं डालना है, बस इसे लो फ्लेम पर 2-3 मिनट उबालेंगे और इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो चटनी को आप जितना ज्यादा गाढ़ा रखना चाहते हैं उतना ही कम पानी डालें। अगर पानी ज्यादा डाल देंगे तो चटनी का टेस्ट कुछ फीका फीका सा हो जाएगा, तो पानी कम ही डालें। चटनी को अच्छे से पकाने के बाद इसे सर्व करें, गर्मा गर्म खाएं या ठंडी करके। इसे 3 से 4 दिन तक आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। पूरी पराठे या रोटी के साथ खाएं, लाजवाब सी चटनी बनी हुई है। तो इस चटनी का चटकारा लेना है तो फटाफट से ये चटनी बनाइए, खाइए और फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि पके केले की ये लाजवाब सी चटनी आपको कितनी ज्यादा पसंद आई। जब भी बनाना ज्यादा पक जाए तो ये चटनी बनाना बिल्कुल न भूलना, बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी बच्चों को भी। ये लाजवाब से हेल्दी टेस्टी चटनी बनाना तो बनता है, फटाफट से बनाइए, खाइए और इसके चटकारे लीजिए, बहुत ही पसंद आएगी, मिस मत करिएगा। चटनी पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी लाजवाब एकदम नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।